चलो कहीं टाइम में देखेंगे, अगर हमें ऐसा कुछ वर्क करना हो, ऐसा कुछ कंपोजिशन सेट करना हो, या फिर मुझे बैकग्राउंड एनिमेटेड चाहिए हो, टेस्ट मुझे एनिमेटेड करना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे आपके टेस्ट में? सबसे पहले फाइल, न्यू न्यू प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे किया, राइट क्लिक किया न्यू कंपोजिशन, ओके राइट क्लिक न्यू सॉलिड कलर, जो भी आपके यहाँ पर सॉलिड कलर चाहिए वो आप ले सकते हो, राइट क्लिक न्यू किया हमने यहाँ पर, मैं यहाँ पर लूँगी शेप लेयर, शेप लेके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपको कितना चाहिए तो मैंने लिया ऐसा कुछ। अगर आपको रोटेशन करना है यहाँ पर रोटेशन कर लो, रोटेशन कितना आपको करना है मुझे यहाँ पर हर होता था ऐसा मुझे रोटेशन करना है, आपको ऐसा कुछ करना है डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको रोटेशन कैसा चाहिए, तो मैंने ऐसा कोई रोटेशन किया सिंपल, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मैनेज किया। इसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ से रिपीटर, रिपीटर के मैं कॉपी यहाँ पर कॉपी हमने ले ली आपका 27 हमने कॉपी ली है, रिपीटर ट्रांसफर रिपीटर में जाएंगे, पोजिशन आपको कितना मैनेज करना है ये देखिए, कैसा आप मैनेज करना चाहोगे पोजिशन, अगर मुझे ऐसा कुछ मैनेज करना है पोजिशन तो आप ऐसा कुछ मैनेज कर सकते हो, रोटेशन कितना आपको करना है जो चाहो तक यहाँ तक ऐसा कुछ एनिमेशन भी दे सकते हो। उसके बाद क्या करना है मुझे जाना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में रोटेशन, रोटेशन कैसा आप देना चाहते हो तो कैसा आपको देना है यहाँ पे रोटेशन, उसके बाद क्या प्रॉपर आप रोटेशन कर सकते हो, सपोज अगर आपको रोटेशन नहीं देना तो वो भी आपका चलेगा, अगर आपको स्ट्रेट दिखाना है तो वो भी आपका यहाँ पर चलेगा। फिर मुझे यहाँ पे स्केलिंग की जरूरत लगी है, हल्की तरह हमने यहाँ पे स्केलिंग कर देती हूँ, स्केलिंग को मैंने अनलिंक किया, मुझे अगर यहाँ पे अपन स्केल करना है अगर उसको मैंने किया रोटेट, और यहाँ पे हम लोग करेंगे पोजीशन को सेट, पोजीशन को सेट अगर आपको करना है तो कैसे हम लोग सेट करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे की लगाया, उसका मैंने ऐसा कुछ मैनेज कर देती हूँ, मैं ऐसा कुछ कुछ मैं आगे जाती हूँ, मैं यहाँ पे 8 सेकंड पे इसको मैंने ऐसा कुछ दोबारा मैंने आपको मैनेज कर दिया आगे की तरफ, ये डिपेंड करेगा आपको पोजिशन में बिना की लगाए मैनेज, अगर आप इस कभी बिना की लगाए मैनेज करोगे तो वो भी आप कर सकते हो, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, लेकिन आपके बैठ में आपका जो भी आपका एनिमेशन चाहिए उसके लिए आपको की लगाना इंपॉर्टेंट होता है। ये हमने किया, ये हमारा बैकग्राउंड रेडी है, अब आता है हमारा टेस्ट का नंबर, राइट क्लिक किया न्यू और टेस्ट मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर हमने लिखा फ्यूजी ग्राफिक, फ्यूजी ग्राफिक हमने यहाँ पे लिखा, मुझे अगर यहाँ पे मैनेज करना है मैं इफेक्ट पे जाती हूँ या फिर उसके पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट को अलाइन कर लेती हूँ, अलाइन के लिए सिंपल आपको यहाँ पर अलाइनमेंट मिल जाएगा, इफेक्ट पे देखो मैंने यहाँ पे 3D लिया हुआ, 3D पे क्लिक पे जाती हूँ, फ्यूजी ग्राफिक पे क्लिक एंड ड्रैग, अब अगर हम लोग अपना यहाँ पे देखते हैं एनिमेशन है यहाँ तक है लेकिन टेस्ट मेरा यहाँ पे आ रहा है, अगर आपको लगे आपको क्योंकि स्पेसिंग कम लग रही है तो यहाँ पे पैसा कुछ उसको मैनेज कर सकते हो। कुछ टाइप में कुछ आप मैनेज कर सकते हो, देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा इफेक्ट बन के रेडी है, बहुत ही इजी इफेक्ट है ये।